बैठक में हम लोग जाते थे समूह में, वहीं पे दीदी लोग बताती थी, वहीं से हम लोग का जानकारी मिला कि एक बच्चा के जन्म के बाद एक घंटा के अंदर में माँ का दूध पिला देना चाहिए। फर्स्ट बार बच्चा जब हुआ ना तो हम लोग को जानकारी नहीं थी, माँ का दूध पिला, हम लोग डिब्बा का दूध पिला दिए, यही कारण उनका उसका तबीयत खराब होने लगा और हमेशा वो बीमार पड़ती थी। समूह में जाने लगे, बैठने लगे तो मैडम दीदी लोग बताने लगी कि 6 महीना के पहले कुछ भी इसको नहीं देना है, नहीं पानी, नहीं बिस्कुट, नहीं कुछ भी नहीं देना है, तो उसी तरह करते हैं। 7वां महीना जब चढ़ा तो उसको दाल चावल भुजिया ये सब, कद्दू का भुजिया, गेहूं का भुजिया, ये सब, अंडा दूध रोटी ये सब देते हैं। अभी तो दाल चावल भुजिया खिलाएंगे, शाम में रोटी और दूध और कच्ची आम भी खिला देंगे, थोड़ा मछली भी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, बहुत अच्छा है, चंचल दिमाग का भी है, बहुत अच्छा खेलता कूदता है, अपना कोई बीमारी उमारी नहीं होता है, स्वस्थ भी रहता है। सेवा करते हैं, हिफाजत करते हैं, एनी टाइम बच्चा के माने साफ सुथरा करके रखते हैं। हम यही चाहते हैं कि जैसे हम करते हैं और भी महिलाएं हम यही करें, साफ सुथरा अपना रखें, पालन पोषण अच्छा तरीक़ा से करें कि ताकि उनका बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे, बीमार कभी नहीं पड़े।